देशभर में शादी का माहौल चल रहा है। शादी के समय हर घर में अलग अलग पकवान बनते हैं, जिन्हें खाने से कई बार लोगों की तबीयत भी खराब हो जाती है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से सामने आया है, जहां पर शादी में नाश्ता करना एक दुल्हन को इतना भारी पड़ गया कि उसकी शादी की डोली उठने से पहले अर्थी उठ गई। दरअसल बुधवारी बाजार में रहने वाले प्रमोद महादेव राव काले की बेटी मेघा की 20 मई को शादी थी। इस बीच शादी की रस्म के दौरान मेघा ढोकले का नाश्ता कर रही थी, तभी अचानक ढोकले का एक टुकड़ा निगलने के दौरान उसकी श्वास नली में अटक गया, जिससे उसे ठसका लग गया, जिसके बाद वह काफी देर तक तो खांसती रही। जब काफी देर तक दुल्हन की खांसी नहीं रुकी तो परिजनों ने उसे पानी पिलाया और अन्य उपाय भी अपनाए, लेकिन दुल्हन की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी मौत हो गई। दुल्हन की मौत के बाद परिजनों के होश उड़ गए और शादी का माहौल गमगीन हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत जिला अस्पताल पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस इसके बाद विवाह स्थल भी पहुंची और वहां पर नाश्ते के सैंपल लेकर FSL जांच के लिए भेज दी है। तो वहीं शादी से चंद घंटे पहले हुई दुल्हन की मौत के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बुधवारी बाजार है, तो वहां पर एक युवती की शादी होना था, शादी का कार्यक्रम चल रहा था और उसी समय भोजन करते समय उसको ठसका लगा और उन्होंने पानी पिया, पानी पीने के कारण ज़्यादा ठसका लगा तो उन्हें तत्काल जो है जिला अस्पताल भर्ती कराया गया और जिला अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई है। अभी जांच चल रही है कि किस कारण से कोई मृत्यु हुई है, पानी वगैरह और बाकी बहुत बड़ा जब्त कर लिया गया है। FSL भेज के जो है उसकी पूरी कार्रवाई करेंगे।